गाइस आज बहुत ज्यादा भीगा बारिश में और थोड़ा सा गला भी खराब हो गया हमारा। गाइस रोड देख सकते हैं यहाँ, अभी रोड बन रहा है यहाँ पे। जय माता दी, सभी को कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। ये रामदेव बाबा का पुल है यहाँ पे देख। तो हे गाइस वेलकम बैक वीडियो। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी माता पूर्णागिरी के धाम पहुंच चुके हैं और ये मेन गेट है। और गाइस इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देख चुके थे, हम लोग पूरनपुर से निकले थे और वहाँ से पदयात्रा शुरू किए थे। एंड गाइस फाइनली ये वाला ब्लॉग रहने वाला, हम लोग अभी चढ़ाई करने वाला उस पर और पूरे मंदिर के ब्लॉग रहने वाला, तो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो गाइस आगे हमारी वो डोला जा रहे हैं और यहाँ से आप लोगों को थोड़े बहुत पहाड़ दिख रहे होंगे क्योंकि अभी बादल छाए हुए, तो बादल दिख नहीं रहे सही से। हमें मंदिर के ऊपर चलना है, कम से कम 8-10-15 किलोमीटर हो जाए समथिंग। और ये देख सकते हैं दरबार जो है वो अभी काफी दूरी पे, 7-8 किलोमीटर दूरी पे जहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं माता के दर्शन करने वाले। आप थोड़ा साइड हो जाइए, बस आ रहे हैं। वही हमारा भंडारा वगैरह चल रहा है, तो चलते गाइस लुक एट दिस व्यूज। भाई इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ से दिखने में, रियल बताओ तो बहुत खूबसूरत है ये जगह। एंड यहाँ पे बादल देख सकते हैं, ये पहाड़ों के बीच में बादल लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड राजा भाई खंड की पहाड़िया में जीसा लागे रे, ऐसा लग रहे मन लंदन में आ गए। अरे वाह वाह वाह, लंदन ये अपना उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड, बहुत खूबसूरत है। गाइस कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। बादल देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में लग गया एकदम। और यहाँ से जहाँ हमें रुकना है, अभी यहाँ से 8 किलोमीटर और चलना है, फिर वहाँ रुकना है, फिर वहाँ से चढ़ाई हमें करना है। और गाइस यहाँ देख सकते हैं यहाँ से पैराग्लाइडिंग एंड डेस्टिनी एडवेंचर सब कुछ यहाँ पे है, तो इसकी फुल सुविधा है यहाँ पे देख सकते हैं, काफी अच्छा है। राफ्टिंग वगैरह भी होता है यहाँ पे मैंने सुना है। और ये यहाँ से पूरा लाइट लगा है, पूरा यहाँ से 20 किलोमीटर और है दूर, और हम लोग हमें जहाँ रुकना है वहाँ से 8 किलोमीटर है। भाई बहुत खूबसूरत लगता है नाइट का नज़ारा, मतलब हम दिन में आए और आज बारिश भी हो रही है, इसका नज़ारा की बात ही कुछ अलग है। देख सकते हैं यहाँ तक पहाड़ है, यहाँ से लेके ये यहाँ से। राजा भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, डांस कर दे। तो गाइस जा रहे हैं अभी आगे और पीछे पहाड़ है मेरे। ओ इस सामने वाले कैमरे से नहीं दिख रहा, एक सेकंड आपको दिखाते हैं, इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर। अब दिखा ना, दिखा, कमेंट करके बताओ, कमेंट करो जय माता दी, जय माता दी। गाइस इसी शॉप से अभी मैंने ली है सेंटर फ्रूट और पल्स ली है, और प्लस यहाँ के व्यू को, वेदर को एंजॉय करते हैं हम लोग, खा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी डोला पीछे है, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मज़ा आ रहा है चलने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग जहाँ तक आज 6 बजे पहुँचेंगे शाम के। गाइस रास्ते में मुझे ये मंदिर मिला और देख सकते हैं मंदिर के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा है वो काफी खूबसूरत है। अभी बारिश रुक गई है और पहाड़ के ऊपर देखो बादल एकदम रुक गए हैं, और यहाँ से थोड़ा सा बाग टाइप से बना हुआ है। एंड हमें जाना है अभी कम से कम यहाँ से अभी 15 किलोमीटर और है, और यहाँ का व्यू इंजॉय कर दो। और गाइस ये लीची का बाग है, जब लीची होएगा और कितना मस्त लग नजारा होगा देखने में, उसकी बात ही कुछ अलग होगी। बाकी आप लोगों को बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है ये जगह। गाइस आज बहुत ज़्यादा भीगा बारिश में और थोड़ा सा गला भी ख़राब हो गया हमारे बारिश में भीगने के कारण। और अभी तो बस जो भी हुआ, मगर यहाँ का व्यू देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो सारी थकान सब कुछ मिट गया मेरा। और जय माता दी, तो चलो मिलते हैं अभी और आगे चल के। गाइस हम लोग सब डांस करते हुए जा रहे हैं माता रानी के पास, देख सकते हैं सभी मस्ती में झूम रहे हैं।
और व्यू पॉइंट तो ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। इधर दिखाइए भाई साहब, थोड़ा इधर घुमाओ, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो सभी डांस कर रहे हैं हमारे कंट्री भाई। और रहेगा मात्र 14 किलोमीटर, जल्दी से जल्दी चलते हैं। गाइस अभी हमें बहुत ज्यादा भीड़ है और अभी थोड़ा सा धूप निकली है और ये मेरे पीछे माँ शक्तिपीठ पूर्णागिरी के मेरे बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं हम लोग, मैं तो गाड़ी के ऊपर बैठ गया थोड़ा ट्रक। फाइनली अब लोग हम मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं मेन गेट कुछ ऐसा है और यहाँ पे लिखा है शक्तिपीठ माँ पूर्णागिरी धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है और यहाँ पे शायद हमें कुछ शुल्क देके आगे बढ़ना होता है, यहाँ की टिकट। गाइस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, पूरा पूर्णागिरी माता में मेला चल रहा है तो उस चीज़ की भीड़ है। अभी देख सकते हैं आप लोग खुद ही कितने सारे बस है यहाँ पे, ये खड़े हैं देख सकते हैं आप लोग, और कार तो पता नहीं कितने सारे हैं। और यहाँ पर डीजे मास्टर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे डीजे आते हैं। जो लोग कार बस वगैरह लेके आते हैं वो लोग यहीं पे रख के जाते हैं, यहाँ पे भूमि मंदिर है, यहाँ पे कार गाड़ी वगैरह रख के फिर यहाँ से पैदल जाते हैं जो भी श्रद्धालु वगैरह आते हैं। और यहाँ पे आप लोग खुद ही भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है, हमेशा चलता रहता है ऐसा भीड़। तो गाइस जब हम लोग यहाँ पे चढ़ाई करेंगे तो रास्ते में हमें भूमि मंदिर भी मिलेगा, तो हम लोग दिखाते हैं भूमि मंदिर राइट साइड में ही है, ये बूम मंदिर है। जाते टाइम चलेंगे ना, जब वापस आएंगे तब चलेंगे बूम मंदिर। पहले उस टाइम कवर दर्शन करने आए तो माता के दर्शन पहले करेंगे, उसके बाद में सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे, फर्स्ट माता रानी। गाइस यहाँ पे राफ्टिंग के लिए भी देखो बोट अवेलेबल है और यहाँ पे राफ्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। खाली होटल रेस्टोरेंट बुकिंग लाइटिंग बोट पॉइंट। गाइस इस यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे ही है शारदा नदी बह रही है और यहीं पे राफ्टिंग होती है और यहाँ से होते हुए अभी हम लोग 12 किलोमीटर है इसकी चढ़ाई, तो हम लोग चढ़ना है अभी। तो पहले वाला क्या बोलते हैं, पहला खोला टोली घाट। हाँ पहला खोला टोली घाट यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो इसीलिए मैं और राजा थोड़ा जल्दी निकल गए। बाकी पीछे आ रहे हैं हमारे सब लोग टोला लेके